कागज चिपकाया गया था सारा जगह कि मैं इनको असम क्यों डिक्लेयर किया गया सर, इसमें आप आवाज़ क्यों नहीं उठाया, गृह मंत्री को आपने बताया क्यों नहीं सर ऐसा हुआ बोल के? इसका जो कार्यक्रम का जो आयोजन वहाँ पे किमिन में जो हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत बाद में पता चला, तो पता चलने के बाद हमको जो वहाँ हमारे जो पब्लिक लीडर्स है किमिन एरिया का, उन्होंने बताया कि इस तरह का वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहा है और जहाँ अरुणाचल प्रदेश लिखा है उसको भी मिटा रहा है। तो मैंने इसको सीरियसली लिया और मैंने तुरंत हमारे जो MOS श्री किरण जी है उनको मैंने ब्रीफ किया, क्योंकि राजनाथ सिंह उनके साथ एक ही फाइट में वो लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारा अरुणाचल असम का जो बाउंड्री इशू है वो बहुत पहले 1950 से ही चल के आ रहा है, तो ये जो है जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ पे इस तरह का कुछ इंसिडेंट हो गया है। तो मैंने ऑलरेडी किरण के थ्रू से राजनाथ सिंह जी को ऑलरेडी ब्रीफ किया हुआ है, और इसलिए आप लोग भी उस इवेंट में मीडिया के लोग भी वहाँ पे थे, तो राजनाथ ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्पीच में भी उन्होंने कभी ये जिक्र तो नहीं किया कि ये असम में हो रहा है, बिल्कुल उन्होंने जिक्र नहीं किया। इट वॉज अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्रशासन को भी कहा कि इसका कैसे मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो प्रशासन की ओर से आज जो कंसर्न चीफ इंजीनियर है उसको भी बुलाया है प्रशासन ने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और देखिए जहाँ तक अरुणाचल असम का जो बाउंड्री है, वी आर हैविंग एन बाउंड्री ऑफ ऑलमोस्ट 716 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, 716 किलोमीटर हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं असम के साथ में। और उस किमिन प्रोग्राम में हमारे नए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी भी वहाँ पे आए थे, और हम दोनों का बीच में भी इस बॉर्डर एरिया को लेके काफ़ी हम दोनों चर्चा किया। तो मैंने कहा था कि वे बैक जो लोकल कमीशन जो गठन हुआ था और लोकल कमीशन का जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको स्वीकार किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली असम गवर्नमेंट उसको स्वीकार नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट में असम गवर्नमेंट चले गए। तो नाउ मैटर इज अंडर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसको हम लोग ने कहा है कि कोर्ट कचहरी में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हेमंत बिस्व शर्मा जी असम के चीफ मिनिस्टर है, अरुणाचल में अभी दोनों का सरकार BJP है, तो इसको हम लोग क्यों ना आउट ऑफ कोर्ट हम लोग सेटलमेंट करने का एक प्रयास किया जाए। उस प्रस्ताव को हमारे CM असम ने भी माना है और उन्होंने कहा है कि एक बार उसको अच्छे से स्टडी करके हमको फिर दोबारा हम दोनों CM to CM एक बार बात करके फिर इसको कैसे हम लोग एमिकेबली सोल्व करना है, हम लोग इसका रणनीति पूरा बना रहा है। आज मैं हमारे जितने भी जो मीडिया पर्सनस है आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश के सभी जनताओं को और ख़ास करके हमारे किमिन एरिया के जनताओं को कि इस बार जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो गलत किया है, मैं भी मानता हूँ टोटली गलत किया है, इसको आज हम लोग ज़्यादा ना उछालें, क्योंकि ये बॉर्डर इश्यू जो है बहुत सदियों से ही चल के आ रहा है और हम लोग इस बॉर्डर इश्यू को रिजोल्व करने में पूरा डिटरमाइन है, हम लोग भरपूर पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू।